ओके, तो सुबह शुरू के 3 क्वेश्चन के बाद के ये स्लाइड मिस हो गए थे, तो अब ये स्लाइड मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, 4 नेम दिए हुए थे, मुंबई, दिसपुर, अगरतला और अहमदाबाद। तो मुंबई, दिसपुर, अगरतला जो है ये स्टेट कैपिटल हैं, लेकिन अहमदाबाद नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा, ये औरों से इस तरह से डिफरेंट है कि ये कैपिटल नहीं है किसी स्टेट। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो फोर्थ का 4 आंसर है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो ये क्लियर है सबको? ठीक है, आपके आंसर आना शुरू हो गए। 4, सुभान अली का आ गया, फरहान का आ गया, दिशा का आ गया, सादिया का, फादिया। ओके, अभी और बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं या अभी आंसर नहीं कर रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए, भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी। तो इसमें अलग क्या है? देखिए, भिंडी, टमाटर और पत्ता गोभी जमीन के ऊपर होते हैं, आलू जमीन के अंदर होता है, तो इसलिए ये औरों से अलग है। ठीक है, तो 5 का इस तरह से 3rd आंसर होगा। ठीक, 1, 2, 3, 4 लोगों के आ गए, 5 का 3, 5। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें देखते हैं क्या फर्क है। के बाद जस्ट एल आता है, सी डी एफ जी बी सी, ये तो सब सही है। अब एल के बाद देखिए क्या है, एम एन ओ, तो 3 मिसिंग है यहाँ पे, 3 मिसिंग। और यहाँ पे डी ई, यहाँ 2 मिसिंग है। एफ जी एच आई, यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। ई एफ, यहाँ भी 2 मिसिंग है। यानी फर्स्ट में एक और दूसरे तीसरे के बीच में, इन 3 में 2 मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है, तो ये औरों से अलग। ठीक है, यानी फर्स्ट जो है औरों से डिफरेंट है, तो दिस इज ऑड मैन आउट। ठीक है, तो ऑड मैन आउट का डेफिनेशन मैंने बताया था, जो औरों से अलग हो वो ऑड मैन आउट। तो यहाँ पे यही छांटना था कि ऑड मैन आउट कौन सा है। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों के आ गए, 6 का 1, बाकी के भी नहीं आए। चलिए, पीला काला हरा नीला। देखिए, पीला हरा और नीला, ये हमारा जो धनक है, जिसे इंद्रधनुष भी कहते हैं और इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, उसमें काला रंग नहीं होता है। तो ये इंद्रधनुष के बाकी कलर ले लिए, ये अलग ले लिया, तो ये औरों से डिफरेंट है। ठीक है, तो धनक यानी विब्जॉ, उसमें वो 7 रंग होते हैं, उसमें काले का कहीं नाम नहीं। ठीक है, वायलेट, वी से वायलेट, और वाई से येलो, नहीं सॉरी, यहाँ पे आई आएगा विब्जॉ। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं। तो इसमें देखिए ब्लैक कहीं नहीं, तो ब्लैक इसलिए अलग है। ठीक है, कोलंबो, ढाका, कराची, टोक्यो। तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की, टोक्यो जापान की, लेकिन कराची जो है ये राजधानी नहीं है, इस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, कराची नहीं है, तो ये औरों से अलग है। ठीक है, तो 8 का 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, सुभान अली का शायद गलत हो गया था, मिटा दिया उन्होंने, अब उन्होंने भी 3 दे दिया। ठीक है, ओके, 6 लोगों का आंसर आ गया। इस टाइम कुछ कम दिख रहे हैं बच्चे,
सात नजर आ रहे हैं, छह आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो यहां पे है गुलाब, गेंदा, लिली, कमल। तो कमल अलग है, क्योंकि कमल जो है ये पानी में होता है और बाकी सब जमीन पे पैदा होते हैं। गुलाब आपने देखा ही होगा, गेंदा भी देखा ही होगा, लिली सफेद बड़े बड़े फूल होते हैं, तो ये तीनों जमीन पे उगते हैं और कमल जो है पानी में होता है, इस वजह से वो अलग है। ठीक है, तो नाइन्थ का फोर हो गया, तो नौ के जवाब चार आ गया, पांच लोगों का। अच्छा, दिशा दसवें पे भी पहुंची, वेरी गुड। तो यहाँ सितंबर, मार्च, अक्टूबर और दिसंबर, तो यहाँ दिनों की वजह से इन्होंने शायद रखा है। देखिए, सितंबर में 30 होते हैं, मार्च में 31, अक्टूबर में भी 31, दिसंबर में भी 31, तो खाली सितंबर जो है वो 30 दिन का होता है, तो यही औरों से अलग है। ठीक है, सितंबर, तो यही ऑड मैन आउट। क्लियर, तो 10 का एक आ गया सबका, सितंबर। एक दो तीन चार पांच, अल्तमश आपका दो क्यों आया है? मार्च में क्या खास बात है भाई, इसको ठीक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे इवन, ऑड, 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 यही फर्क होगा। यहाँ पे ये इवन है, बाकी तीन नंबर जो है ऑड, तो यही फर्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि यूनिट प्लेस पे छह है, यानी ये इवन नंबर, ठीक है, और ये सब ऑड है। यूनिट प्लेस पे इसमें सेवन, इसमें फाइव है, ये भी ऑड है, और इसमें सेवन है, ये भी ऑड है, इसलिए ये औरों से अलग हो गया, तो इलेवन का वन हो जाएगा। ठीक, तो एक दो तीन चार पाँच छ। अच्छा, अल्तमश तो अभी 10 का दे रहा है, पांच लोगों का जवाब आ गया। ओके, बारह से आगे शायद सुबह करा दिए थे। ओके, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कहाँ तक पहुंचे थे सुबह हम? छियालीस तक हो गए थे। ठीक है, चलिए, तो अब 47 पे आ जाइए, 11 का है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 27 गुणा 5, तो ये सबसे बड़ा नंबर था, इसके बीच में गुणा तो नहीं होना चाहिए। 11 दूनी 22, सॉरी, 22 और 5 27, इस तरह से हो सकता है। 27 के बाद यानी इक्वल साइन आना चाहिए, तो यहाँ इक्वल है। इसके बाद इसके और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं, 5 और 11 के हो गए तो 55 हो जाएगा, 55 में से 2 जाएंगे 53, ये तो नहीं है। ओके, गुणा तो नहीं हो सकता 27 और 5 के बीच में, तो फिर आने का सवाल ही नहीं। माइनस करेंगे तो 22 हो गया, 22 और अगर गुणा होगा तो ये तो 55 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इक्वल 27 बराबर 11 पंजे 55, 55 में से 2 गए 53, ये भी नहीं हो सकता। 27 में से 5 गए 22, इसके बाद इक्वल साइन और यहाँ गुणा, ये ठीक है, ये भी 22 हो गया, तो ये सही है चौथा। ठीक है, क्लियर हो गया। 47 का 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का आ गया, दिशा 48 पे पहुंच गई, कह रही है 48 का 1। चलिए हम भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ये है, इसके बाद प्लस या मल्टीप्लीकेशन को अवॉइड कीजिए, डिवीजन वाले पहले देख लेते हैं। 8 9 72, 9 आ जाएगा,
9 और 12 21 होते हैं, यहाँ पे अगर प्लस होगा और यहाँ डिवीजन तो बात बन रही है, तो 9 और 12 21 और यहाँ इक्वल ही है, तो यही ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला ही ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ भाग है ना, तो 72 को अगर 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और यहाँ प्लस है तो 9 और 12 21 हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में भी 21 है, यहाँ पे इक्वल का ही साइन रहना है, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो 48 का इसलिए पहला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 का आया, उसके बाद 49 भी आ गया दिशा का और अल्तमश का। गुड। तो 49 तो अब डिफरेंट टाइप के शुरू हो गए, यहाँ पे इस सर्किल वाले सेट दिए हुए हैं, तो इन सेट में से आपको देखना होगा कि जो आगे जिन चीजों के बारे में नाम दिए होंगे या फिगर दी होंगी, वो इनमें से कौन से सेट में सही सही बैठते। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अब ये कौन सा है, यानी एक के अंदर दूसरी चीज, दूसरे के अंदर तीसरी चीज, इस तरह से अगर संबंध है सेट बनने जाएगा। एक कोई बड़ी चीज है और उसके अंदर दो मौजूद हैं, जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश और राजस्थान अगर आ जाए तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे तीन अलग चीज है, मान लीजिए एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चूहा आ जाए तो वो तीनों डिफरेंट है, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे जानवर और बिल्ली उसके अंदर आ गई, इस तरह से आ जाए, और यहाँ पे चिड़िया आ जाए तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से इनका संबंध होता है, तो ये फर्क है, ये समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, 49 का 2 सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 1 2 3 4 लोगों का आ गया। चलिए हम भी देखते हैं, ये है तो वाहन, कार, बस, तो वाहन सवारी को कहते हैं, और कार और बस तो उसके अंदर आती हैं, तो ये कार और बस हो गई, और ये बाहर का जो सर्किल है ये वाहन हो गया, तो यानी ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सेट 2 है कहाँ पे, 2 नंबर पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर। 49 का 2 जिन लोगों ने दिया था बिल्कुल सही है, सादिया और फरहान का 50 का भी आ गया, उसको भी कह रहे हैं एक है, चलिए उसे भी देख लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं शहर, बाजार, दुकान। शहर इसके अंदर बाजार, बाजार के अंदर दुकान, तो ये फिगर आएगी, यानी सेट नंबर 1, और सेट 1 कहाँ दिया है, 1 नंबर पे दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का 1 जिन लोगों ने दिया है सही आंसर है, दिशा कह रही है 51 का 3, सादिया भी कह रही है 51 का 3, माशाल्लाह बहुत तेज भाग रही है ये लोग, वेरी गुड। चलिए अभी कह रहे हैं फल, केला, बैगन। अब देखिए फल के अंदर केला तो आता है, ये केला है और ये फल हो गया, लेकिन बैगन जो है ये तो सब्जी, बैगन अलग हो गया। ठीक है, तो किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा चौथी कैटेगरी, और 4 नंबर कहाँ पे है, 3 पे है, तो 51 का 3 हो जाएगा, 51 का 3 ऑलरेडी आंसर बच्चों का आ चुका है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का 51 आ गया, गुड। यहाँ पे मछली, चिड़िया, घोड़ा हैं तो सब जानवर, लेकिन ये पानी का जानवर, ये हवा का जानवर और ये जमीन का जानवर, तो तीनों अलग अलग, यानी सेट नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, और सेट नंबर 3 कहाँ है, 4 नंबर पे, तो 52 का 4 हो जाएगा। बच्चों ने कौन सा दिया है, 52 का 4, 1 2 3 4 5, सादिया ने मिटा दिया। चलिए 53 का भी 2 आ गया, दिशा बहुत तेज आ रही है, वेरी गुड। यहां कह रहे हैं नदी, अब नदी है उसमें पानी बह रहा है, इसमें करंट
कश्ती चल रही है, कश्ती के अंदर कोई आदमी भी बैठा ही होगा, ठीक है, ये आदमी बैठा है, तो इस तरह से हो गया ये नदी। तो नदी सबसे बाहर, उसके अंदर नाव, ये नाव हो गई, और नाव के अंदर आदमी बैठा है, तो ये व्यक्ति हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे के अंदर, यानी सेट नंबर वन, ठीक है। सेट नंबर वन कहाँ है? दो पे। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। कैलेंडर, महीना, दिनांक, फिर यही कैटेगरी आ गई एक नंबर। जाहिर है कैलेंडर में महीना होता है और महीने के अंदर दिन होता है, ठीक। या यूं समझ लीजिए कैलेंडर के अंदर महीना और दिन दोनों होता है। कौन सा सही मान है, सेट दो या वन? चौवन, चौवन का दो आ रहा है बच्चों का, इसे सही माने। हाँ, कैलेंडर के अंदर ही महीना और दिन दोनों होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए? मेरे ख्याल से दो ही ज्यादा ठीक है। तो ये दोनों वैसे करीब करीब हैं, क्योंकि कैलेंडर के अंदर महीना होता है, महीने के अंदर दिन। लेकिन हम अगर पिक्चर के हिसाब से देखें, देखिए ये कैलेंडर है, अब इसके अंदर महीने होते हैं और महीनों के अंदर दिन यानी तारीखें होती हैं, और तारीखें जो हैं ये सारे ही महीनों में होती हैं। तो क्योंकि ये दोनों चीजें ही कैलेंडर के अंदर हैं, तो सेट नंबर टू ज्यादा बेहतर है, यही ज्यादा बेहतर है, सेट नंबर टू। और सेट नंबर टू कहाँ पे है? एक नंबर पे, ठीक है। अगर ये कैलेंडर की बात नहीं करते, वैसे कहते साल, महीना, दिन, तब तो गारंटी के साथ ये सेट नंबर वन हो। लेकिन कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कैलेंडर में तो महीना और दिन दोनों ही चीजें होती हैं, तो एक ही चीज के अंदर दो चीजें हैं, कैलेंडर के अंदर दोनों, ठीक है। तो इसलिए सेट नंबर टू जो है ये सही है, और सेट नंबर टू कहाँ पे है? एक पे है। चावल, कंप्यूटर, कुर्सी, तो तीनों डिफरेंट है। चावल का कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, कंप्यूटर का कुर्सी से कोई ताल्लुक नहीं, तो तीनों डिफरेंट। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सेट नंबर तीन, अलग अलग चीजें। सेट नंबर तीन कहां पे है? तीन पे ही बैठा हुआ है, ये आंसर हो गया, 55 का तीन, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, कुछ बच्चे तो 56 पे ऑलरेडी पहुंच गए, बहुत तेज भाग रहे हैं बच्चे। सादिया और दिशा बहुत तेज भाग रहे हैं, अल्तमश का भी 56 आ गया, फरहान का भी आ गया, गुड। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब पास हो जाओ, अल्लाह ऐसी करे कि आप सब बहुत मेहनत की है, आप सब पास हो जाओ। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाथ, उंगली, कान। हाथ के अंदर उंगली होती है, तो हाथ मान लीजिए ये हाथ है, और इसके अंदर उंगली, ठीक है। कान अलग चीज है, ये चेहरे पे होती है, तो ये डिफरेंट है। तो ये वाली कैटेगरी आएगी, यानी सेट नंबर फोर। और सेट नंबर फोर कहाँ है? एक पे है। तो 56 का एक, बच्चों ने क्या दिया था? 56 का तीन, 56 का तीन। हाँ, चूक गए यहाँ पे, हाथ में उंगली नहीं सोचा किसी ने, तो ये क्लियर हो गया, ये सेट नंबर एक, यानी फिगर के हिसाब से सेट फोर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? 56 का, 56 का एक। तो जिन लोगों ने 56 का तीन किया हुआ है उसे ठीक कर लें,
तीन में तो सेट दो है। नहीं, तो देखिए हाथ उंगली और कान जो हैं ये इस तरह से रिलेटेड नहीं। हाथ के अंदर उंगली होती है और कान अलग चीज, वो चेहरे पे होता है। ठीक है, भारत दिल्ली लाल किला, भारत के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लाल किला है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेट नंबर वन होगा। और सेट वन कहाँ दिया है? चार पे दिया, तो 57 का 4, 57 का 4 जन्म दिया है। सही है, सादिया का पहले ही आ चुका था, दिशा का भी आ गया, अल्तमश का आ गया, वादिया का भी आ गया, अर्श का भी आ गया, परान का भी आ गया। दिशा 58 पे भी पहुंच गई, सादिया भी पहुंच गई, अल्तमश भी पहुंच। गुड, तरक्की कर रहे हैं बच्चे। ये 58 है, जंगल, हिरन, पेड़। तो जंगल में हिरन और पेड़ दोनों होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पे तो हिरन होता नहीं है, तो हैं तो दोनों अलग चीज है, तो हम कौन सी कैटेगरी में लेंगे? ये जंगल हो गया, और जंगल के अंदर पेड़ और जंगल के अंदर हिरन। ठीक है, ये कैटेगरी आएगी, यानी सेट नंबर दो। सेट दो कहाँ है? दो पे ही है। तो ये इसका आंसर होगा, 58 का 2। 58 का 2 आया है, अर्श का खाली 4 पता नहीं कैसे आ गया, फरहान का भी 4 आ गया। अच्छा, ये लोग 57 का दे रहे हैं, 58 का 2 जिनका है ठीक है, 59 का 1, सादिया पहुंच गई 59 पे, अल्तमश और दिशा भी पहुंच गई, उसका 1 बता। चलिए 59 पे भी चलते हैं। 59, कापी, दही, शर्ट, तीनों अलग चीजें, तो ये सेट नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया, और 3 यहाँ पे 1 नंबर पे बैठा है। ठीक है, तो 59 का 1 हो गया। ठीक है, जिन लोगों का दिया है, अल्तमश का भी सही है, दिशा का भी सही है, सादिया का भी सही है। गुड, फादिया का भी आ गया 1, फरहान का भी आ गया, अर्श का भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है आईना, छवि और सीढ़ी। आईने में अगर छवि दिख रही है और छवि अगर सीढ़ी की है तो अलग मामला है। वैसे तो आईना, छवि और सीढ़ी अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने साथ दिया, इनका मकसद यही होगा आईने में ये सब कुछ नजर आ रहा है, आईना है, उसके अंदर तस्वीर नजर आ रही है, और तस्वीर काहे की है? सीढ़ी की है। तो इस तरह से तो आईने के अंदर छवि और छवि के अंदर सीढ़ी, इस तरह से हो गया, तो ये कैटेगरी तो 1 बनती है। तो 60 का इस हिसाब से तो 1 होता है, और 1 नंबर है कहाँ पे? सेट नंबर 1 4 पे है, तो 60 का एक बार फिर सोचिए, देख लेते हैं। आई, छवि, अगर अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छवि तो आईने में ही दिखेगी, अगर वो छवि सीढ़ी की है तब ये सही है, यानी सेट नंबर वन, वरना सीढ़ी अलग हो जाएगी, उस हिसाब से सेट फोर आना चाहिए, तो आईने में छवि दिखेगी, तो सीढ़ी अलग चीज है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है, तो इन लोगों को आंसर दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए, सेट नंबर वन भी और फोर भी, क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह से दिया है और अगर ये फिगर बना देते तो और क्लियर हो जाता, अगर आईने में सीढ़ी नजर आ रही है तो ये सेट नंबर वन में जाएगा, और अगर इसमें इमेज नहीं दिख रही है सीढ़ी की तब 4 में जाएगा।
लेकिन मेरे हिसाब से जब इन्होंने दिया है, मैच तो नहीं दिए, तो हम इसको सेट नंबर 4 यानी इमेज नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 4 नंबर ज्यादा बेटर है, ठीक। चलिए 61 से 72। तो यहाँ पे संख्या एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई है। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अभी ये वही मैथमेटिक्स पे बेस्ड यानी नंबर नंबर का ऑपरेशंस, उसके क्वेश्चंस ही आ गए। तो गुणा भाग जोड़ घटाना कौन सा अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे देख। तो पहले फिगर को तो देख के लग रहा है 3, 2, 5 और 6, 11। यहाँ 4 और 2, 6 और 8, 14। तो यही पैटर्न है, जब 2 में यही है तो इसमें भी यही होगा, 3, 2, 5, 5, 10। तो ये तो फिर एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, यही सही है। तो 61 का 1 हो जाएगा, 61 का 1 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों का 61 का 1 आ गया। ओके, यहाँ पे 7 और 2, 9, 9 में से 3 जाएंगे तब 6 आएगा। यहाँ देखें 5, 4, 9, 9 में से 1 गया, 8 नहीं बैठ रहा है बात। तीनों का युग होगा नहीं, वरना तो ये 3 दूना 6 भी हो रहा है, ये 5 एकन 5 हो रहा है, तो फिर ये 7 क्या कर रहा है। सात दूनी 14, 14 तीय 42, और 4 और 2 6, 5 चौक 20। पांच चौक 20, 20 एकम 20, ये तो होना चाहिए था, कर क्या है 22 और 8 नहीं है। इसमें इन्होंने थोड़ा घुमाया, तो अगर और कुछ सोचिए, 7 और 2, 9, 3, 12, 12/2, 6, 5, 4, 9 और 1, 10, 10 बटे दो, ओ तो नंबर्स को जोड़ के 2 से भाग दे दिया है। देखिए 7, 2, 3 बटा 2, तो 7 और 2, 9, 3, 12, 12/2, 6 हो गया। ऐसे ही 5, 4, 9 और 1, 10, 10/2, 5 हो गया। तो यहां हो जाएगा 9, 3, 12, 12/8, 20, 20 का आधा 10, तो इसका 62 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 62 का 2। कुछ बच्चों ने 63 का भी दे दिया कि 3 होगा। तो यहाँ पे नीचे वाला चाहिए, 36 में से 12 गए 24, 28 में से 16 गए 12, 44 में से 31 गए 13। ये तो सिंपल है, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा 63 का 3, ठीक है। यहाँ 8, 6, 14, 2, 16, 4, 20, 7, 5, 12, 1, 13, 3, 16, तो सीधा सम आ रहा है, 11, 8, 19, 2, 21, 5, 26, 26 दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया, सिंपल है ये भी। तो 64 का 4 हो गया, 64 का 4 आंसर आ गए, 1, 2, 3, 4। ओके, 65 के भी आना शुरू हो गए, तो आंसर 2 आ रहे हैं। यहाँ 7, 6, 13,
पांच और दो सात, छह दो, सात इक्कीस, सात छह 13, 13। अच्छा ये ऐसे है, एक बार इसको जोड़ा 5 + 2 7 हुआ, और फिर 5 - 2 3 होता है, इन दोनों को गुणा कर दिया, तो इनको गुणा करेंगे तो 21 हो गया। ये किया है उन्होंने, देखिए 7 और 6 13, और 7 में से 6 गए, 1 13 1 13, तो यहाँ पे 6 3 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 27, तो 1 होगा 65 का। ठीक है, 6 + 3, 6 + 3 9 हो गया, और 6 - 3 3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक, तो 65 का 1 हो गया इस हिसाब से। 66, 5 4 9 3 12, 12 2 14, ओके, 5 2 10, 4 3 12, ये भी नहीं, 5 4 20, 3 2 5, 0, 6 2, नहीं बैठा। पांच 3 15, 4 2 6, 15 6 21, 8 को 0 से गुणा किया, 0, 6 और 3 9, तो 7 2 14, और यहाँ क्या हमने हिसाब लगाया था, 5 3 15 और 6 8, 6 3 9, 7 2 14 और 6 20। देखिए इसमें ऐसा है, 3 5 15 और 4 और 2 6, एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरफ जोड़ रहे हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, 15 और 6 के साथ है। ऐसे ही यहाँ पे 8 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, और 6 और 3 9 हो गया, अब 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 और 5 और 1 6, तो 14 और 6 मिलके हो गए 20। तो ये सिस्टम इन्होंने लगाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 66 का 2, 66 का 2, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का 2 आ गया। 67 पे चलते हैं, ओके, 5 और 2 7 9 16, 16 का अंडर रूट 4 हो गया, 14 10 24 12 36, 36 का अंडर रूट 6 हो गया, तो 5 और 1 6 3 9, 9 का 3 हो गया। ये तो सिंपल था, बाहर के नंबरों को जोड़ के, क्योंकि छोटा था इसलिए यही सबसे पहले ट्राई कर लिया, 5 और 2 7 9 7 16, 16 का अंडर रूट जो है वो 4 आ गया। ठीक है, यानी कि 5 + 2 + 9 ये हो गया 16, और इसका अंडर रूट करेंगे तो इक्वल टू 4 हो जाएगा अंदर वाला। यही पैटर्न इसमें भी लगा दिया, तो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का 3 आंसर था, यही हमारा आंसर हो गया 67 का 3। ठीक, अच्छा, दिशा 68 पे भी पहुंच गई, प्राण भी पहुंच गए, तमज भी पहुंच गए।
यहाँ पे क्या है, 4 और 3 7 1 8 5 13, 3 1 4 4 7 4 11 3 14 2 16 6 1 7 8 3 11 5 16 4 20, 2 और 0 2, 68 का 2 हो जाएगा। तो बाहर के नंबरों को जोड़ा, जैसे 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4, 3 और 1 4 5 9 4 13, और इनके अंकों को फिर जोड़ दिया तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये पैटर्न रखा है। तो यहाँ पे 8 3 4 5, ये हो गए 8 3 11 4 15 5 20, अंकों को जोड़ेंगे 2 और 0 मिलके 2 हो गए। तो इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 68 का 1। ठीक आ रहा है सबका। अच्छा, दिशा तो 70 पे भी पहुंच गई, वेरी गुड। 69 यहाँ आ रहा है, 3 5 और 1 6 4 10 2 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ सकता है। यहाँ देखते हैं, 3 2 5 3 8 4 12, नहीं कोई गड़बड़ है। चार दुनी 8 3 3 9, तो 9 माइनस 8, 5 चौक 20, 20 में से 2 हो गए 18, नहीं ये भी नहीं बढ़ना। 5 दुनी 10, 4 1 4, 10 4 14, 4 में से 1 गया 3, 4 ये 12, 3 दुनी 6, 12 6 18, ये थोड़ा घुमा रहा है। ये बाकी नंबर का लगता है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। 5 में से 2 गए 3 4 में से 1 गए 3 3 में से 2 गया 1 4 में से 3 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 5 गया 8, ये किया है उन्होंने। यानी इधर के डिफरेंस, इधर के डिफरेंस ले लिए तो ये सब एक ही आ रहा है। 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 5 गया 8, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम गलत सोच रहे थे, ये है पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। तो 69 का थर्ड, 1 दिख रहा है आंसर, 2 खिचड़ी पक गई है। किसी का 70 का आंसर दिख रहा है, किसी का 69 का, किसी का 68 का। ओके, यहाँ लिया है इन्होंने 3 12 5 17 10 27, 27 का क्यूब रूट 3 होगा 7 और 1 8, 8 का 2 होगा, ठीक है। यहाँ तो 1 है 1 का 1 ही हो जाएगा, क्यूब रूट ले लिए इन्होंने, बाहर के नंबर जोड़े, देखिए 12 10 22 5 27, 27 का क्यूब रूट 3, 7 और 1 8, 8 का क्यूब रूट 2, 1, यहाँ पे तो और नंबर ही नहीं है तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, तो 70 का 2 हो गया, ठीक है। 70 का आंसर 2।
आठ और दो 10 5 15 116, 6 में से 1 गए 5 हो सकता है, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 5 में से 1 गए 4 नहीं बनता है, 6 3 18, 5 4 20, 2 आ गया, 8 5 40, 2 1 2 नहीं बना, 3ों ही इसमें नंबर दिए, इसमें तो साइन ऑफ इंटरोगेशन है ही नहीं, ये पूछ क्या रहे हैं, ये तो सवाल में ही गड़बड़ है, मिसप्रिंट हो गया ये स्लाइड, लेने में तो गड़बड़ नहीं, दोबारा चेक कर लो, ये है 71। हाँ इसमें तो साइन ऑफ इंटरोगेशन ही नहीं है कहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है, ठीक है। हाँ 71 का सब एक कह रहे हैं, तो भाई कहाँ से आंसर आ गया, काय का आ गया, यहाँ पे पांच और तीन आठ, आठ में से 1 गए 7, 10 2 12, 12 में से 2 गए 10, यानी इन दोनों का डिफरेंस और ये ऐड किया, 4 में से 3 गए 1, 9 और 1 10, तो 10 और 2 12, 12 में से 2 गए 10, 5 और 3 8, 8 में से 1 गए 7, 9 4 13, 13 में से 3 गए 10, तो 72 का ये एक हो जाएगा, ठीक है। 72 का एक, ठीक है। तिहत्तर कोड वाले आ गए, किसी कोड भाषा में यदि रोड को D A O R लिखा जाता है तो फिश, अब यहां पे क्या है, जो पहला था वो यहां आ गया, जो दूसरा था वहां यहां आ गया, जो तीसरा था यहां आ गया, जो चौथा था यहां, तो यानी 4 3 2 1 इस ऑर्डर में आ गए, तो यहां पे भी उल्टा कर दीजिए, HSIF यानी 2, ठीक है, उल्टे क्रम में ले लिया है बस, ठीक है, तो 73 का इसमें 2 हो जाएगा। तिहत्तर का 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का 73 का 2 आ गया, ठीक है। संडे, संडे को कह रहे हैं डे सन, यानी ये 3 आखिर में आ गए, ये 3 शुरू में आ गए, तो पैरट, PARROT, तो इस पैटर्न पे ये डे जैसे यहां आया था तो ROT रॉट पहले आ जाएगा, ROT और सन यहां शुरू में था आखिर में आ गया, तो यहाँ PAR शुरू में था, ये लास्ट में आ जाएगा, तो ROT PAR ये थर्ड नंबर पे ये है, ठीक है, ROT PAR, तो 74 का 3, 74 का 3, 1 2 या का 3 नहीं है, अच्छा वो 73 का 2 देखा रहे, 73 का 3, 1 2 3 4 5, 5 के हैं, चलिए बाकी तो 75 पे पहुंच गया। किसी कोड भाषा में यदि ट्रक को
TRUC के ट्रक, इसको लिख रहे हैं आर टी यू के सी, आर टी। तो ये आपस में बदल गए ये दोनों, और ये आपस में बदल गए, ये अपनी जगह पे रहा। अब यहां पे दिया है CLOUD, तो ये दोनों आपस में बदले थे, ये यहां आया था, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ऐसे ही कर दीजिए LCODU, तो LCODU ये वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से 75 का 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का 75 का 4 आ गया। ठीक है, 76। किसी कोड भाषा में यदि होप को HOPE, होप को OHPP, ये भी आसान है, ये यहां गया, ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो स्टार को भी ऐसी बदल दीजिए, एस, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, STAR। तो यहां पे भी आखिर के ये दोनों बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे, तो यानी TSRA, TSRA पहला वाला हो जाएगा, तो 76 का 1। ठीक है, लोग 77 पे भी पहुंच गए। सॉलिड, यदि सॉलिड को TPMJE, SOLID, TM, नहीं सॉरी, TPM J S T हो गया, OP हो गया, LM हो गया, IJ हो गया, DE, यानी +1 हो रहा है सब में, तो ट्रक को क्या कर देंगे, सारे लेटर से अगले वाला, देखिए S का T हो गया, O का P, L का M, I का J, D का E, तो T के बाद क्या आता है, RSTU, तो यहाँ पे U हो जाएगा, R के बाद S हो जाएगा, U के बाद V हो जाएगा, C के बाद D हो जाएगा, K के बाद L हो जाएगा, TURSUBCDKL। ठीक है, तो USVDL इस वाले में सही है, USVDL, यानी 77 का 2, तो 2 1 2 3 4 5, 5 लोगों के 2 दिख रहे हैं, बाकी शायद पहले दे चुके, कुछ लोग बहुत तेज भाग रहे हैं। किसी कोड भाषा में यदि ब्राउन, BROWN, AQN, VM, MN, VW, NO, QR, AB, यानी कोड जो लिया है वो एक माइनस कर दिया है सब, तो HOUSE, इससे पहले D हो जाएगा, S से पहले R हो जाएगा, इससे पहले TTURSDE, NOGH, तो GNTRD, GNTRD, यानी तीसरा, GNTRD, 78 का 3, 78 का 3, 1 2 3 4,
न्यासी, इसमें कह रहे हैं फादर को FATHER, फादर, ये हो गया G, Z, के बाद U, T, F, U, H था। तो यहाँ पे एफ के बाद जी आता है, तो यहाँ +1 हो गया। ए से पहले जेड है, उसको अगर पलट के हम दिखाएं, टी के बाद यू तो +1, जी एच से पहले, तो यानी एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसी हिसाब से कानपुर में हो जाएगा। तो एफ जी यानी के एल, इससे पहले जेड हो जाएगा, अब के एल एन ओ ओ पी, इससे पहले यहाँ एन ओ पी, तो यहाँ पे भी इत्तेफाक से ओ ही आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस, यू के बाद पी, क्यू आर, तो एल जेड ओ ओ बी क्यू, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो 79 का 4, लोग 81 पे पहुंच गए। अरे वाह, बहुत तेज भाग रहे बच्चे, वेरी गुड। किसी कोड भाषा में यदि चाइल्ड CHILD EJK एन एफ, तो यहाँ पे DE यानी +2 हो गया, यहाँ पे भी +2, JK यहाँ भी +2, MN यहाँ भी +2, EF यहाँ भी +2, तो होटल, तो IJ यहाँ J आ जाएगा, OPQ TUV EFG LMN JQ VGN, JQVGN, ये JQVGN, ठीक है। तो 3 नंबर, 80 का 3। खिचड़ी पक गई है आंसरों में, तो 80 के तो 2 दिख रहे हैं, 2 या का दिख रहा है, सादिया का दिख रहा है, बाकी लोग कोई 71 दिखा रहा है, कोई 79, कोई 81। चलिए कोई बात नहीं, कोड भाषा में लाइफ LIFE को 32 लिखा जाता है, 32 कैसे आया भाई देखते हैं। ई का तो 5 होगा, इसका 6 होगा, आई का हो जाएगा एफ, तो ये 6 है, तो HI इससे 2 आगे, EF GHI 9 हो जाएगा, और L का हो जाएगा JKL, 3 ज्यादा यानी 12 हो जाएगा, 12 9 6 5, तो 12 9 21 6 27 5 32 सीधा ऐड कर दिया है, कोई परेशानी की बात। तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, ये 11 होता है, 14 11 25 और 1 26, 26 2 28, ठीक है। देखिए 2 और 1 3, 14 3 17, 17 11 28, इस तरह से 81 का 2, 81 का 2,
किसी का 83 का आ रहा है, किसी का 80 का आंसर आ रहा है, किसी का 79 का आ रहा है, सब आगे पीछे हो गए। तो बैंक को 5 लिखा जाता है तो उस भाषा में फ्रॉक का कोट क्या होगा? सॉरी, बैंक नहीं, बार्क, BARK। तो मुझे लगता है इतना छोटा कोट तो तभी हो सकता है कि सब नंबरों को जोड़ के उनके अंकों को फिर जोड़ दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 + 1 प्लस आर का क्या होगा? इसका तो 11 हो जाएगा। ये होता है RST, T का 20 याद है, एस का 19, इसका 18 होगा। 3 18 3 21, 21 और 11 32। तो 3 + 2 5, इस तरह से ले लिया, 3 + 2 5। चलिए तो फ्रॉक का देख ले, F हो गया 6, F R O G 6 18 और एनओ यानी इसका 15 होगा, इसका 7 होगा, 18 6 24, 24 और 15 39 7 46, और 6 4 10, ठीक है। तो जी का 7 होता है, ओ का 15, आर का 18, एफ का 6, इन सबको जोड़ दिया, 18 6 24, 24 7 31, 31 और 15 46। तो ऐसे जोड़िए या वैसे जोड़िए, 46 आ रहा है, 6 4 10, ठीक है। तो ये 10 आंसर हो गया। चलिए 82 का 1 हो गया, आप लोगों का क्या आया? 82 का किसी का दिख ही नहीं रहा है, 82 का खाली फरहान का दिख रहा है और सुभान का दिख रहा है, सादिया का, नब्या का, फादिया का, बाकी कोई 84 दिखा रहा है, कोई 83 दिखा रहा है। चलिए कोई बात, किसी कोड भाषा में यदि 9 को NINE को 8 लिखा, में भी वही होगा, 14 9 14 5, 14 9 23 और 1 24, 14, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये 9 है, ये 14 है, 5 है, तो 14 9 23 23 और 14 37 और 5 42, तो 42 आता था, तो लगता है इनका दोनों का गुणा कर दिया, 4 2 8 कर दिया। यहाँ पे है साल्ट, SALT, इसका तो 1 हो गया, इसका 20 होता है, इसका 12 होता है, इसका 19 होगा, तो जोड़ेंगे 20 और 12 32 और 20 52 और 5 2 10, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 × 2, यहाँ जैसे 4 × 2 हुआ था, तो 5 2 10, तो 60 का 10 हो जाएगा, 83 का 4, 83 का 4 फरहान का दिख रहा है, बाकी तो 83 यहाँ नीचे किसका आ रहा है, जोया का, नव्या का, हरीबा का, और ये आ गया फादिया और सादिया का भी 83 का 4 आ गया, ठीक। 84, किसी कोड भाषा में यदि GCFH को 7 3 6 8 लिख दिया जाए, हाँ तो सीधे इनके कोड उठा के लिख दिए, जो ऑर्डर होता है सीरियल, DAB का क्या होगा? तो D का होता है 4 1 2 5 41 25,
ठीक है, इसमें तो कोई खास सोचने की बात ही नहीं। तो 84 का 2 हो गया, 84 ऊपर 2 देख रहे हैं, नीचे तो 84, अरीबा का, 90 का, फरहान का। चलिए ओके, अब पैटर्न चेंज हो गया। 85 से 90 तक निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर के लिए विकल्प दिए गए। कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प को क्रम संख्या संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्र पर लिखिए। तो सुनील को खेलना और पढ़ना, तो सुनील को खेलना और पढ़ना, बॉबी को गाना और खेलना और पढ़ना, फोटोग्राफी भी पसंद है, नरेश को गाना पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं वो लिख लेते हैं। सुनील को खेलना, पढ़ना, खेलना, पढ़ना, गाना, पढ़ना आ गया, गाना आ गया, खेलना आ गया, फोटोग्राफी। चित्रकारी भी है, पांच चीजें हैं। सुनील को खेलना और पढ़ना, बॉबी को गाना और खेलना और पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है, नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी, महेश को गाना, खेलना, सुधीर को खेलना और चित्रकारी पसंद है। तो डेटा हमारे पास देखिए ये आ गया, यानी खेलना 4 हो गए, पढ़ना 3 हो गए, गाना 3 हो गए, फोटोग्राफी 2, चित्रकारी 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कितने लड़कों को गाना पसंद? तो गाना 3 को, तो 3 को पसंद है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। चित्रकारी 1 था शायद, देख लेते हैं वापस जाकर। हाँ चित्रकारी 1 है, तो ये चौथा ऑप्शन। किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है? खेलना 4 को पसंद था, तो खेलना 4 था, तो यही सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? चित्रकार 1, चित्रकारी 1 आया था, तो यही सबसे कम पसंद है। कितने लड़कों को पढ़ना नहीं पसंद है? तो देखिए पढ़ना 3 को पसंद है, और टोटल हैं कितने? 5 हैं, तो 2 को पसंद नहीं है पढ़ना। ठीक है, तो दो हो जाएगा इसका आंसर, 3 को पसंद है, 2 को नहीं। कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है? ये जाके लैंग्वेज में देखना पड़ेगा, ज्यादा गाना और फोटोग्राफी। बॉबी को गाना और फोटोग्राफी,
और नरेश को गाना पढ़ना और फोटोग्राफी, गाना पढ़ना और फोटोग्राफी, तो एक तो नरेश को और एक बॉबी को, इन्हें गाना और फोटोग्राफी पसंद। गाना खेलना, खेलना चित्रकारी, तो दो लोगों को है, गाना और फोटोग्राफी, गाना पढ़ना फोटोग्राफी, ठीक है, तो दो को है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अब रहे आपके मैथ के। क्या टाइम हो गया? 9:06। तो फिर सुबह देख लेते हैं मैथ के। मैथ में तो टाइम लगेगा, 20 क्वेश्चन है, तो कल सुबह मिलें फिर, ठीक है? यानी कल दोपहर, तो कल दोपहर 4:30 बजे मुलाकात होगी। तो मैथ का खाली रह गया, तो मैथ का सुबह देख लेते हैं, मतलब वही 4:30 बजे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज इंडस्ट्री।